बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तनमान जय ग्वालिया बाबा, जय ग्वालिया बाबा। देखिए आज सुमंगल मंगलवार और बाबा के दरबार पे यहाँ अपार जन समूह है, भक्तजन आए हुए हैं। बाबा की संध्याकालीन आरती का समय हो चुका है। आइए, बहुत दिनों बाद में हम बाहर गए थे, बहुत दिनों बाद में आज आपको पुनः दर्शन करवाते हैं संध्याकालीन आरती के। जय ग्वालिया बाबा, जय ग्वालिया बाबा, जय ग्वालिया बाबा। ये देखिए आरती प्रारंभ हो चुकी है, आइए कराते हैं आपको संध्याकालीन आरती के दर्शन। ग्वालिया दरबार में हम हाजिर हैं, ग्वालिया बाबा दरबार में। और ये देखिए, ये पीछे आपने बहुत दफ़ा देखा इसे, और ये देख पा रहे हैं हवन कुंड, जहाँ पर भक्तजन आते हैं और प्रसाद लेकर के यहाँ पर बाबा के अर्पित करके यहाँ भोग लगाते हैं। जय ग्वालिया बाबा, 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 जय ग्वालिया बाबा। इसी मंदिर परिसर में है प्रथम पूज्य गणेश जी का, ये आप दर्शन कर रहे हैं। ओम मकर तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप कीजिए दर्शन राम दरबार के। जय श्री राम, जय श्री राम। भक्त हनुमान जय श्री राम, जय श्री राम। ये विशाल संध्याकालीन आरती ग्वालिया बाबा मनसारामपुरा रोडवाड़ा जयपुर। जय देवाधिदेव महादेव, जय भोलेनाथ। इसी मंदिर परिसर में देवाधिदेव के दर्शन कर रहे हैं आप। सामने राम दरबार दिख रहा है आपको, यहाँ के दर्शन आप अक्सर करते रहते हैं। Thank you.
बोल ग्वाले बाबा की। जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा। जी हाँ बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों, अक्सर आप यहाँ की आरती देखा करते हैं। शनिवार मंगलवार को यहाँ पे अपार जनसमूह है, भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है और काफी जय की। अब की बार कुछ समय से आपको ये आरती के दर्शन करवा रहे हैं। जय ग्वाले बाबा। जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा। ये थी संध्याकालीन आरती। ग्वाले बाबा, मनसारामपुरा, निवारू, छोटवाड़ा, जयपुर। जी हाँ बंधु, अक्सर यहाँ की आरती आप देखते हैं। अब की बार थोड़े यात्रा भ्रमण में बाहर जाने की वजह से आपको निरंतर दो हफ्ते की आरती नहीं दिखा पाए। ये देखिए, माता, बहनें, बाल, गोपाल, युवक, युवतियाँ, वरिष्ठजन सभी तो हैं यहाँ पर बाबा के दरबार में। और बाबा मनोकामना करते हैं सभी की पूरी। वो कहते हैं कि चमत्कार को होता है नमस्कार, और सभी भक्तजन यहाँ पर अपने मनोकामना लेकर के आते हैं और बाबा उन सबको करते हैं पूरी। जय ग्वाले बाबा, 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 जय ग्वाले बाबा। देखिए नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के आते हैं माता पिता, और बल्कि हम तो हमेशा ही कहते हैं कि छोटे बच्चों को अवश्य लेकर के आना चाहिए। इनको छोटी उम्र में ही सनातन और संस्कृति के बारे में पता रहता है और पता चलता है। कहते हैं कि छोटे कच्चे घड़े को आप कोई भी मूर्ति दे सकते हैं। जय श्री राम, जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा। अपार जनसमूह है यहाँ पर। शनिवार और मंगलवार को बहुत भीड़ रहती है भक्तों की, आप देख पा रहे हैं। जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा। ये देखिए चरणामृत लेते हुए बहन और बंधुजन, ये भी आकर के इधर से चरणामृत लेंगे और उसके बाद में उधर तिलक भी लगाते हैं और बाबा के यहाँ पर मनोकामना लेकर के आते हैं। बाबा सभी की मनोकामना करते हैं पूरी। जय बाबा ग्वाले, जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा। आरती लेते हुए माता बहने सभी सभी आरती लेते हुए जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा। देखिए आरती लेते हुए जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा। अगर तिलक लगाते हुए जय बाबा, जय ग्वाले बाबा। ये देखिए भक्तजन, कोई हनुमान चालीसा के पाठ कर रहा है तो कोई सुंदर कांड के पाठ कर रहा है। बाबा के पास यहाँ मनोकामना लेकर के आते हैं और बाबा करते हैं सभी की मनोकामना पूरी। जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा। सभी अरदास करते हैं बाबा को। जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा। देखिए आरती लेते हुए जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा। जी हाँ बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि अपने साथ में छोटे बच्चों को अवश्य लेकर के आना चाहिए, क्योंकि अभी से इनको सनातन और संस्कृति के बारे में पता रहता है। अब जब ये कहते हैं कि कच्चे घड़े, बार बार कह रहे हैं कि कच्चे घड़े को तो आप कोई भी मूर्ति दे सकते हैं लेकिन बड़ा होने के बाद में नहीं, ये आस्था इनको इस बचपन में ही सिखाई जा सकती है। जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा। लगातार यहाँ पर भक्तजन आते हुए जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा। ये देखिए माता बहने यहाँ पर, बाल गोपाल सभी, ये देखिए जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा, जय ग्वाले बाबा। आइए आपको देवाधिदेव महादेव के नजदीक से दर्शन कराते हैं। जब आरती होती है तो वहां पर हर भक्त को जाना अलाउ नहीं होता। आइए आपको नजदीक से दर्शन कराते हैं महादेव। जय देवाधिदेव महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। सभी दर्शन कर रहे हैं देवाधिदेव महादेव के, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। जय देवाधिदेव महादेव, जय भोलेनाथ। प्रथम पूज्य गणेश जी, माँ पार्वती, गिरजानंदिनी, उमा देवी, स्वामी कार्तिकेय जी महाराज। देखिए बच्ची कहते हैं कि भावना
और आस्था बचपन से ही डाली जा सकती है। तो आप देख रहे हैं बच्चे, और ये आप देवादिदेव महादेव की कीजिए दर्शन। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, ओम नंदीश्वराय नमः। आपने हमेशा देखा है, यहाँ पे लग रहा है देवादिदेव महादेव के यहाँ एक राम दरबार का छाया चित्र। जय श्री राम, जय श्री राम भक्त हनुमान। ये देखिए, देखिए राधे राधे कर रहे हैं, राधे 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 राधे। जी हाँ बंधुओं, बहुत विशाल मंदिर है ये। आप आज तक के लगभग इसके 100-150 वीडियोस आप देख चुके हैं, लेकिन ये पावन और पुनीत दिवस होता है शनिवार और मंगलवार का, जब अपार जनसमूह है यहाँ पर आता है, भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। जय भोलेनाथ, जय देवाधिदेव महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देख पा रहे हैं भक्तजन आ रहे हैं अपनी मनोकामना लेकर के भोलेनाथ के दरबार में और ग्वालियर बाबा दरबार में। बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों, हमारा प्रयास क्या, हम जहाँ कहीं भी जाएं आपको दर्शन कराते रहते हैं तपोभूमियों के और सनातनी स्थलों के। आपने यहाँ के वीडियोस काफ़ी देखे हैं, और विशेषकर यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को अपार जन समूह रहता है, और आप दर्शन कर रहे हैं आज मंगलवार की संध्याकालीन आरती के। बोल ग्वालिया बाबा की जय, ग्वालिया बाबा, जय ग्वालिया बाबा, बोल ग्वालिया बाबा की जय, जय ग्वालिया बाबा जी। देखिए परम भक्त हैं ग्वालिया बाबा के, परम भक्त, जय ग्वालिया बाबा, जय ग्वालिया बाबा, जय ग्वालिया बाबा, जय ग्वालिया बाबा। भक्त अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जय ग्वालिया बाबा। ये देखिए माता बहनें भी हनुमान चालीसा सुंदरकांड के पाठ कर रही हैं। अभी आपने देखा कि बंधु कर रहे थे, और ये देखिए सुंदरकांड के पाठ, मनोकामना पूरी करते हैं बाबा सभी की। कहते क्या विश्वास हो आत्मा में तो बाबा अवश्य ही सुनते हैं। जय ग्वालिया बाबा, जय ग्वालिया। जी हाँ बंधु भक्तों, तो एक बार फिर से कीजिए ये हवन कुंड के दर्शन। जैसा कि हमने कहा कि भक्तजन प्रसाद लेकर के आते हैं, बाबा को अर्पित करते हैं, और फिर से मैं भोग लगा देते हैं। जय ग्वालिया बाबा, जय ग्वालिया बाबा। आस्था का प्रतीक ग्वालिया बाबा, मनसा रामपुरा निवारू छोटवाड़ा जयपुर। जय ग्वालिया बाबा। ये देखिए प्रभु के साथ साथ हमें आशीर्वाद मिलता रहता है गुरु, ये हमारे पुजारी जी का सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर प्रणाम, सादर नमन। ये देखिए आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय पुजारी महाराज, जय ग्वालिया बाबा, जय ग्वालिया बाबा। ये देखिए निरंतर आ रहे हैं अभी भक्तजन, अभी भी लगातार आ रहे हैं। आरती के पश्चात भी यहाँ पर अभी रात्रि तक यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ता रहेगा दर्शन के लिए। चमत्कारी धरा ग्वालिया बाबा मंदिर, मनसा रामपुरा निवारू छोटवाड़ा जयपुर। ये देखिए प्रसाद का भोग लगाते हुए हवन कुंड में। जी हाँ बंधु भक्तों, सनातन प्रेमियों, तो आपने किए ग्वालिया बाबा की संध्याकालीन आरती के दर्शन। आप दीजिए मुझे इजाजत, मैं आपका पूरणमल पारिक जॉन भाई। जहाँ जहाँ भी हम सनातन भूमि में जाते हैं, तप भूमि में जाते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि आपको दर्शन कराएं। जय श्री राम, जय श्री राम भक्त हनुमान, जय ग्वालिया बाबा, जय ग्वालिया बाबा।